ओ सच्चिदानन्दरूपाय विश्व पत्यादिहेतवे तापुत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचर तत्पदं दर्शितं ये वन्दे श्री गुरवे नमः ओ प्रारंभ में कर रही हूँ संत मीराबाई जी के इस भजन से मीरा कहती है क्योंकि वो चित्तौड़ में तब वास कर रही थी राजस्थान में और वृंदावन जाने की चाह थी और वृंदावन दूर है क्योंकि अब वो वहाँ महारानी होकर के नहीं जा रही थी वो वहाँ पर एक प्रभु प्रेम में मदमस्त हुई भक्ता जा रही थी घर त्यागने का विचार कर लिया था सुख सुविधा जिसको आज हम सब ढूंढते रहते हैं वो सुख सुविधा में पली बढ़ी मेरा सब सुख सुविधा छोड़ करके श्री कृष्ण के धाम पर जाने को व्याकुल हो रही थी याद रहे उनके घर का माहौल भी ऐसा था कि सब उनका विरोध करते थे कोई ये पसंद नहीं करता था कि वो कृष्ण से प्रेम करें कोई भी उनके कृष्ण भक्ति से प्रसन्न नहीं था बल्कि उनके ऊपर बड़े अत्याचार होते रहे कभी विश्वभरा चरणामृत कह के जहर भेजा गया कभी उनको उनके कमरे में ही बंद कर दिया गया कभी उनके घर से बाहर जाने पे पाबंदी लग गई और कभी उनके लिए सुख से सांस लेने की भी आजादी चली गई थी ऐसी परिस्थिति में जब वो तड़प रही हैं स्वयं को एक कैद में जान रही हैं, देख रही हैं कि अरे अब इस नगर में रहना संभव नहीं है अब तो जाना ही पड़ेगा छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा हार श्रिंगार तो पहले ही त्याग चुकी थीं। और जाने के लिए मन में बड़ी लालाहित है पर फिर यह भी सत्य है कि उस समय पर स्त्रियां तो पर्दे में थीं आप ये भी जानते हैं कि विधर्मियों का राज था स्त्रियां सुरक्षित नहीं थीं तो उसकी मान इज्जत भी दाव पे है कष्ट में है समाज के अंदर बहुत से गल घोटने वाली नियमावली उनके ऊपर लगी हुई थी पर मीरा के हृदय का प्रेम ऐसा कि अब मेरे मन मंदिर में बैठा कृष्ण मेरे लिए काफी नहीं पड़ रहा अब तो तेरे स्थान पे जाना आवश्यक है तो कोई रथ नहीं कोई घोड़ा नहीं कोई हाथी नहीं कोई सवारी नहीं कोई बैलगाड़ी नहीं जाना पड़ेगा पैदल पैदल नाप लीजिएगा आपके चित्तौड़ से ब्रज भूमि कितना दूर पड़ती है और पांव पांव चल करके जाना है और बीच राह कितनी रातें कभी नदी किनारे कभी किसी पेड़ के तले कभी खुले में कभी कोई मिल गई जगह तो छत के तले कितनी रातें उन्होंने ऐसे बियाबान जगहों में बिताई होंगी स्त्री है इसलिए अपने मान सम्मान की भी ख्याल तो था तो कुछ कुछ मन में डर भी लगता था पर फिर भी कृष्ण प्रेम इतना बड़ा है कि उसके सामने अपनी रक्षा सुरक्षा की विचार उनको बांध नहीं पाई सखी संग काना शर्म मोहे लागे अकेली तो भूल जाऊँ तेरी डगरी हमेशा बहुत दास दासियों के साथ रही हैं अब अकेली चलना है अब जाना पड़ेगा अब जाऊंगी तो कहीं तेरा रास्ता तो नहीं मैं भूल जाऊंगी याद रहे कोई नेविगेशन नहीं कोई मैप नहीं कोई बताने वाला नहीं कोई साथी नहीं कोई संगी नहीं कोई दास नहीं कोई सखी नहीं कोई साथ में नहीं है और ये चल पड़ती हैं घर से तो धीरे धीरे चलूं तो कमर मोरी लचके झटपट चलूं तो छलकाए गगरी पीने का जल अपने साथ रखना पड़ेगा क्योंकि रेगिस्तान में जल तो मिलता नहीं है कोई नदी नहीं है कोई झरने नहीं है कोई तालाब नहीं है कि जहाँ से वो अपनी प्यास बुझा पावे तो पीने का कुछ जल एक छोटी सी मटकी में एक छोटी सी गगरी में भरा है बोले धीरे धीरे चलती हूँ तो कमर लचकती है और तेज चलूँगी तो मेरी गगरी से जल छलक जाएगा और यहाँ एक गगरी और भी है और वो है उनके नेत्रों की और हृदय की मन में बड़ा बना हुआ उनका भाव जो है वो प्रेम वो वैराग्य वो आँखों से छलक न जावे तो ये भी एक चिंता है क्योंकि अपना प्रेम समाज को थोड़ी दिखाना है रात को कान्हा डर माही लागे दिन को देखे सारी नगरी जो रात को चलती हूँ तो जंगल में जानवर का भय है दुर्दांत मनुष्यों का भय है और दिन में अगर चलती हूँ तो बड़ा प्रसिद्ध हो गया था कि मीरा बाई महारानी मीरा अपना महल छोड़ के त्याग करके राजपुताना घराने को कृष्ण के प्रेम में दीवानी होके पगली होके जा रही है तो जहाँ जहाँ से निकलूंगी लोग देखेंगे कि ये जा रही वो दीवानी ये जा रही है तो दिन में चलूंगी तो लोगों का नजरें मुझ पर पड़ेंगी और फिर क्या क्या बचन वो मुझको बोलेंगे रात को डर लगता है कहाँ कैसे चलूँ पर मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर तुमरे दरस बिन मैं तो हो गई बाबरी बावरी मैंने दीवानी तेरे बगैर तो मैं दीवानी हुई पड़ी हूँ तो आखिर में ये जो दीवाना शब्द वो लाई है इस दीवाने शब्द से वो स्पष्ट कर देती हैं कि दीवानों को दुनिया क्या कहती है दिन में और दीवाने को रात में कितना भयकारक वातावरण हो दीवाने को न फिर रात के अंधेरे का डर है न दिन में लोगों की बातों का भय जिसके जीवन में श्री कृष्ण का प्रेम बस गया हो और हृदय में जिन्होंने सिंहासन पर बैठा लिया है उस मदन मोहन को उसे कहाँ फर्क पड़ता है कि संग कोई है नहीं है कि वो अकेली हैं तो दूर नगरी बड़ी दूर नगरी तेरी नगरी बड़ी दूर दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे में तेरे गोकुल नगरी कैसे मैं कैसे पहुंचू मैं तेरी गोकुल नगरी में बहुत दूर है पर जहाँ से उपक्रम हुआ है शुरुआत हुई है कि वो अपना भाव प्रकट कर रही कि दूर है नगरी कैसे पहुंचू तो उसका जो समापन है वो यहाँ कर रहे हैं कि वो जो दीवाना हो चुका है वो जो बावरा हो चुका है वो जो प्रेम में मदमस्त हो चुका है ये उसके लिए न समाज न रात न दिन ना ही किसी और बात की कोई रोक टोक अवरोध सीमा कुछ उसको फिर रोक नहीं सकते वो तो फिर हवा है ना हवा तो बहती है हवा बहती को कौन रोक सकता है हम कृष्ण से प्रेम करते हैं ये कहना बड़ा सरल है क्योंकि ये तुम्हारी दो इंच की जीभ ही तो हिलती है पर वो कृष्ण प्रेम क्या वास्तव में तुम्हारे हृदय में जीवन में प्राण में मन में बुद्धि में क्या तुमको वो आंदोलित तु करता है गले में कंठी माथे पे तिलक हाथ में जप माली लिए तो सब दुनिया घूमती है पर प्रश्न ये उठता है कि हृदय में कृष्ण को भी रखा है कि बस बाहर बाहर का परिवेश हो गया बाहर का परिवेश बनाने में कोई ज्यादा साधन नहीं लगता है पहले तो वो खाड़ा तिलक लगाने में भी यत्न होता था तो लोग बड़ा लंबी डंडी रखते थे फिर चंदन घिसते थे फिर उसको इस लायक बनाते थे कि डंडी में चिपक जाए और फिर बैठ करके अच्छे से उसको आकार देना पड़ता था लेकिन आज के समय में तो वो बने बनाए संचय मिल जाते हैं ऐसे डुबोए और छापा लगा देते हैं उसमें भी कोई कष्ट नहीं है पर मुझे ये लगता है कि अगर तिलक धारण करना ही हो तो उस समय पर किसी सांचे या संचय का उपयोग नहीं होना चाहिए मैं स्वयं ये जब तिलक धारण करती हूँ तो तिलक धारण जब आप करते हैं तो आपको बहुत सचेत और बहुत सावधान होकर के उस सिलाई को चंदन के इस तिलक के घोल में ऐसे डालना पड़ता है और बिल्कुल ठीक मध्य में मस्तक में आवे और फिर उसको धारण करते समय अगर आपकी एकाग्रता इधर उधर गई या तुम्हारे हाथ में कुछ बेचैनी आई तो वो सीधी 90 डिग्री की लाइन नहीं बन पाएगी तो सीधा तिलक लगाने के लिए भी एक सावधानी एक सजगता की आवश्यकता होती है और Uh, आसानी से बहुत आसानी से हम चीज़ों को इजी uh, करना चाह रहे हैं पर याद रहे जो आसान रास्ते ढूंढ रहे हैं भक्ति मार्ग उनके लिए नहीं है भक्ति मार्ग में प्रवेश होने के लिए जो चाहिए वो है बहुत जोर से बहुत uh, गहराई से सच्चाई से आपके भीतर प्रेम आपके भीतर समर्पण आपके मन मस्तिष्क में आपके इष्ट का स्वरूप का वो जो भाव है वो हमेशा बना रहना चाहिए अब सड़क पे चले जा रहे हैं और माला फेरे जा रहे हैं आंखों से दुनिया देख रहे हैं और आंखों से अब जब चीज कोई देखते हैं तो यहाँ रसगुल्ला दिखा वहां पुचका दिखा वहां चाट दिखी वहां कुछ और दिखा तो आंख जिस जिस दृश्य को देखती है मन तुरंत से उसके ऊपर कमेंट्री कर देगा कि ये अच्छा है ये नहीं अच्छा है ये मुझे खाना है ये मुझे नहीं खाना है ये बड़ी खराब चीज है ये तो बड़ी अच्छी चीज है तुम्हारा मन उतने ही समय कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, ना कुछ, ना कुछ, ना कुछ बोलने लग जाएगा तो, तो तुम्हारी एकाग्रता फिर मंत्र में हुई कि तुम्हारी एकाग्रता उन खाद्य पदार्थों में हो गई इसलिए जब करने के लिए मेरी ये अपनी एक सोच है मेरा अपना एक विचार है उसको एक स्थान पर बैठ करके के नेत्र बंद करके रीढ़ की हड्डी सीधी करके आप वैष्णव हो तो रामानंदी हो तो आप वेदांती हो तो आप योगी हो तो आप संकेवादी हो तो साधन करने की जो विधि है वो एक ही रहेगी वो तो बदल नहीं जाएगी ये सत्य है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा बाव कुभाव अलख आलस हूँ नाम जपत मंगल दिश दस हूँ ये इसलिए कहना पड़ता है कि कहीं बैठ के तो कर नहीं रहा तो चल कुछ ऐसे ही कर ले चलते फिरते ही कर ले आ, करने में कुछ संकोच ना करो 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 क्योंकि जाने कब कब प्राण निकल जावे शरीर से इसलिए ज्यादा देरी दूरी करने की आवश्यकता नहीं है परंतु अगर साधना का लाभ लेना है आपने तो निश्चित रूप से एक स्थान पर बैठ करके मन को एकाग्र करके इंद्रियों को अंतर्मुख करने के बाद फिर जब आप नाम जप करते हैं फिर जब आप अपने मन में अपने इष्ट की धारणा करते हैं जो उसका आनंद है वो चलते फिरते दुनिया का बाजार में दिमाग खपा करके आपको वो कैसे रस आ जाएगा अभी हम लोग जगन्नाथपुरी में हैं समुद्र के तट पर है और समुद्र को जलों में सबसे पतित पावन पावन जल माना जाता है क्योंकि सब नदियां जो हैं वो आ आ करके समंदर में ही लीन होती जाती गंगा सागर में आके गंगा जी आती हैं और जमुना जी आ रही हैं और सारी जो देव नदियां उत्तर भारत में जो चल रही है जो पूर्व में चल रही हैं जो मध्य में चल रही हैं वह आकर के इस तरफ पर गिर रही हैं बे ऑफ बंगाल में गिर रही है इसलिए समुद्र जल को शास्त्र में सबसे पवित्र माना गया है तो फिर समुद्र के जल के आसपास जो वायु होती है वो वायु भी बहुत ईन से भरी हुई होती है होती है तो मेरा सुझाव है कि आप लोग बीच का जो समय आपको मिलता है जरूर इधर उधर जाइए मंदिर दर्शन करिए बहुत से स्थान ऐतिहासिक यहाँ पर है मैं उनकी भी चर्चा करूंगी बीच में पर कुछ समय निकाल करके समुद्र के तट पर बैठे पूरी में 2000, 2000 या 2200 सौ घुमक्कड़ नहीं आए हैं 2200 साधक आए हैं ये परिचय तुम्हारा होना चाहिए तो विचार करके या तो एक समय निश्चित करा देते हैं सामने ही है समुद्र का तट तो अच्छा हो कि एक ही साथ सब बैठो और कम से कम एक घंटे आप वहां पर बैठ करके जब करो इसका लाभ लीजिए ये पूरी क्षेत्र है इस सात्विकी क्षेत्र में आकर के आप जानिए कि जिन मीराबाई जी का भी मैं पद गाने लगी हूँ वो भी यहां पर पधारी हैं तो उनकी चरण रज से भी तो ये धरती पवित्र हुई है ख्याल रहे भगवान कहते हैं कि कोई मुझसे प्रेम करे न करे मुझे परवाह नहीं पर जो मेरे भक्त से प्रेम करता है मैं उससे प्रेम करता कोई मुझसे प्रेम करे ना करे मुझे चलेगा पर कोई मेरे संत से प्रेम करता है मैं उससे प्रेम करता हूँ तो ये धरती वो है जहाँ पर रमनुज आचार्य भी पधारे निम्बार्क आचार्य भी पधारे श्री बल्लभा आचार्य जी भी पधारे श्री गुरु नानक देव महाराज भी यहीं पे पधारे संत कबीर साहब यहाँ पर पधारे इस धरती पर चैतन्य महाप्रभु के चरण रज पड़ी है उनके नर्तन से यहाँ के बालू का कण कण उस ऊर्जा से भरा हुआ है आप उसी आप उसी रेत पर आप उसी रज के ऊपर विराजमान हो अब क्या मालूम ना वो कहां कहाँ कहां कहाँ नर्तन करते हुए और कीर्तन करते हुए ये निमाई निताई की जोड़ी कहाँ कहां अपनी प्रेम भरी भरी ऊर्जा को वो प्रसारित कर रहे थे क्या मालूम और ख्याल रहे तीर्थ किसी स्थान का नाम नहीं है तीर्थ एक ऊर्जा का नाम होता है और ऊर्जा कभी मरती नहीं है आज विज्ञान इस बात को मानता है तो उन संतों की भक्तों की महात्माओं की दिव्य पुरुषों की दिव्य स्त्रियों की जो ऊर्जा है वो इस भूमंडल पर इस धरती पर इस वायु में पूरी तरह से मौजूद है